वहीं जाने माने पटकथा लेखक, संवाद लेखक और निर्देशक सागर सरहदी का निधन हो गया है। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी गिनती बेहतरीन कहानीकारों में होती थी। आखिरी दिनों में उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। साथ ही उन्होंने मुंबई में सायन इलाके में अपने घर में ही आखिरी सांस ली है। सागर 88 साल के थे और किस तरह से हुआ उनका निधन और कैसा रहा उनका ये सफर, देखिए इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड की दुनिया से एक और बुरी खबर सामने आई है। जाने माने पटकथा लेखक, संवाद लेखक और निर्देशक सागर सरहदी ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। मशहूर राइटर ने 88 साल की उम्र में मुंबई के सायन इलाके में स्थित अपने घर में आखिरी सांस ली। वहीं उन्होंने आखिरी दिनों में खाना पीना भी छोड़ दिया था। सागर सरहदी का जन्म 11 मई 1933 को बफा पाकिस्तान में हुआ था। वो अपने गांव एबटाबाद को छोड़कर पहले दिल्ली के किंग्सवे कैंप और फिर मुंबई की एक पिछड़ी बस्ती में रहे। इसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत के दम पर फिल्मों में अपना करियर बनाया। आपको बता दी, फिल्म इंडस्ट्री में उनकी गिनती बेहतरीन कहानीकारों में होती है। सागर सरहदी कभी कभी चांदनी और सिलसिला जैसी सुपरहिट फिल्मों के लिए जाने जाते थे। सागर सरहदी को लोकप्रियता यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी से मिली थी। इस फिल्म में राखी और अमिताभ बच्चन थे। वही फिल्म बाजार से उन्होंने डायरेक्शन में डेब्यू किया था। इस फिल्म में स्मिता पाटिल, फारूक शेख और नसीरुद्दीन शाह थे। 1982 में रिलीज हुई ये फिल्म इंडियन क्लासिक मानी जाती है। वो इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और राइटर तीनों ही थे। उन्होंने फिल्म नूरी, सिलसिला, चांदनी, रंग, जिंदगी, कर्मयोगी, कहो ना प्यार है, कारोबार, बाजार और चौसर जैसी हिट फिल्मों की स्क्रिप्ट राइटिंग की थी। गौरतलब है कि सागर का नाम उन सितारों में शुमार था जिन्होंने अपने दम पर अपने लिए एक अलग मुकाम बनाया था। सागर को बड़ा नाम यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी से मिला था। इस फिल्म में रेखा और अमिताभ बच्चन एक साथ दिखाई दिए थे। वहीं सागर सरहदी के जाने से बॉलीवुड ने अपना एक दिग्गज कहानीकार खो दिया है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज़।